उड़ीसा में दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगा। आज वो साकार हुआ है। जगन्नाथ धाम पुरी से निकल के उड़ीसा की औद्योगिक शहरों को जोड़ते हुए, सांस्कृतिक शहर को जोड़ते हुए ये ट्रेन सुबह पुरी से निकलेगा, खोर्धा रोड आएगा, राज्य की राजधानी भुवनेश्वर आएगा, सांस्कृतिक राजधानी कटक आएगा, फिर ढेंकानाल आएगा, फिर तालचेर रोड आएगा, फिर अनुगुल आएगा, औद्योगिक नगरी ये सब है, फिर ये रैकुल जाएगा, ये आदिवासी वनवासियों का इलाका है, किसानों का इलाका है, फिर आगे जाएगा सांस्कृतिक राजधानी एक प्रकार से संबलपुर भी हमारा है, वहाँ भी पहुँचेगा, फिर औद्योगिक केंद्र झारसुगुड़ा और राउरकेला तक पहुँचेगा। ऐसे ही अपराह्न में फिर ट्रेन राउरकेला से निकल के पुरी धाम तक आएगा। ये उड़ीसा को जोड़ेगा, उड़ीसा की नौजवानों की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा, उड़ीसा की सामाजिक सांस्कृतिक एकता को बढ़ाएगा, लोगों को सुविधा देगा। आम आदमी के लिए ट्रेन समर्पित है। देश में आज जो चौमुखी विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चंद्रयान की उपलब्धि, आदित्य L1 की उपलब्धि, G20 की सफल क्रियान्वयन, भारत में दुनिया को चौंकाने वाला महिला नारी सम्मान विधेयक लाया गया, ये सारे को देखते हुए ये नया भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, ये अमृत काल के अंदर भारत की प्रवेश हो चुका है, इसे अनेकों उत्साहवर्धक काम से हो रहा है। देखो, देश ने रेलवे के अंदर इतनी विकास पिछले 76 साल में दिखाई नहीं था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही व्यवस्था रहेगा, वही मुलाजिम रहेंगे, वही अधिकारी रहेंगे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होने से ये संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्होंने करके दिखाया। आज रेलवे जो भारत की आत्मा है, जिस रूट में अभी हम जा रहे हैं, इसी रूट में कभी पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी प्रवास किया था। झारसुगुड़ा तक आए थे, ये ट्रेन झारसुगुड़ा होके जाएगा। अभी हमने मेरामंडली स्टेशन छोड़ा, मेरामंडली स्टेशन में महात्मा गांधी जी उतरे थे, चढ़े थे ट्रेन द्वारा, फिर वहीं से होके ढेंकानाल होके कटक तक गए थे, पुरी तक गए थे, वहीं से लेके आज आधुनिक, ये 100 साल पुरानी बात है। आधुनिक भारत में 21वीं सदी में फिर रेल एक बार भारत में नई उत्साह भरा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।